हेलो बच्चों, आज हम कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी। कल मैंने बच्चों आपको बताया था कि सुनीता विकलांग लड़की है जो कि पैरों से चल नहीं सकती है और चलने के लिए वो पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि वो सुबह नहा धोकर बाजार अकेले जाने वाली थी और उसे बाजार और सड़क देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं आगे क्या होता है। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ना कि वो बाजार गई थी सुनीता, फिर वो सड़क पर देख रही थी तो एक लड़की बार बार उसे घूर रही थी, जो उसे कहाँ मिली थी, कपड़ों की दुकान के पास मिली थी। और वो सुनीता की पहिया कुर्सी को बहुत ध्यान से देख रही थी और वो जानना चाह रही थी कि ये क्या चीज है। लेकिन जैसे ही वो उसकी सुनीता से प्रश्न पूछना चाहती है, उसकी माँ उस बच्चे को डांट देती है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। तो बच्चों, उस लड़की का क्या नाम है? फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। बच्चों, फरीदा जो कुर्सी के बारे में पूछना चाह रही थी तो उसकी माँ ने ये सोच के उसको मना किया कि हो सकता है सुनीता को ये बात अच्छी ना लगे क्योंकि वो पैरों से चल नहीं सकती थी तो उसको दुख होगा, इसलिए उसने फरीदा से बोला कि बेटा हमें किसी से भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि सुनीता अपने आप को दूसरे बच्चों की तरह ही बराबर समझती थी, वो अपने को दूसरे से अलग नहीं समझती थी, इसलिए उसे फरीदा की माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। बच्चों, उस लड़के का क्या नाम था? अमित। और जिस बच्ची ने सुनीता से प्रश्न पूछना चाहा था उसका क्या नाम था? फरीदा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिये को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहिये को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। बच्चों, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं लगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो भी अपने आप को दूसरे बच्चों की तरह समान समझती थी, इसलिए उसे इस बात का दुख हुआ कि कोई उस पर दया ना दिखाए, वह अपने हर काम को स्वयं कर सकती है, इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अब सुनीता इस समय किससे बात कर रही है बच्चों? अमित से, जिसे जिस बच्चे को सब लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे ना। जैसे सुनीता विकलांग थी वैसे ही अमित का जो अमित की जो कद था ना, उसकी जो लंबाई थी वो छोटी थी, तो सभी बच्चों से छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। तो इस समय सुनीता किससे बात कर रही है? अमित से बात करके कह रही है कि मेरे साथ हर कोई अजीबोगरीब व्यवहार करता है जैसे कि मैं और लोगों से अलग हूं। तो अमित क्या कहता है? शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं।
अमित ने कहा, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने जवाब दिया, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े, फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो बच्चों, आपको समझ में आया सुनीता को उनकी परवाह क्यों नहीं थी? क्योंकि सुनीता को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि हमें से कोई, कि मैं भी बच्चों से अलग हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग हुए तो क्या हुए, हम वो सारे काम कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी का उद्देश्य ये है कि सुनीता की पहिया कहानी में के अनुसार कभी किसी की अपंगता का उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चों, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, तो इसका उसे हम अपंगता बोलते हैं, विकलांगता बोलते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी ऐसे बच्चे का या मनुष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो कि अपंग हो। हर व्यक्ति अपने हर काम में करने के लिए सक्षम होता है। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जिनके अंदर शारीरिक रूप से कोई कमी है, और कभी भी हमें उनका मजाक या उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो बच्चों, आपका गृह कार्य है, इसके साथ आपको शब्द अर्थ करने हैं आज पाठ के, तो उसे आप अपनी कॉपी में पाठ का नाम डालकर साफ साफ ध्यानपूर्वक करेंगे और याद भी करेंगे।